उत्तर प्रदेश के वाराणसी की अजगरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी त्रिभुवन ने नामांकन किया। आपको बता दें कि नामांकन के दौरान जिला अध्यक्षक भारतीय जनता पार्टी हंसराज विश्वकर्मा, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे सहित कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने इस बार भी भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। सदस्य हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में, हमने विश्वास व्यक्त किया है, अजगरा से मुझे विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया है और मैं माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के जो संकल्पों को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। आत्मनिर्भर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास होगा और सबसे बड़ी बात है कि जो विकास की धारा माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने चलाया है उसको हम अपने क्षेत्र में बिल्कुल बहाने का कोशिश करेंगे। गठबंधन को कैसे आप पिछाड़ करेंगे? गठबंधन भी आपके साथ? गठबंधन कुछ नहीं है, गठबंधन तो दिन में सपना देखता है, उसकी कोई बात नहीं है और कोई आगे और पीछे कोई नहीं है। अगर कहीं कोई है तो केवल भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ही है और गठबंधन से कोई हम लोगों को कोई कष्ट नहीं है। गठबंधन अपना गठबंधन करता रहे और भारतीय जनता पार्टी 300+ सीट निकाल कर जीत कर फिर भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। तो आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी त्रिभुवन नामांकन उन्होंने किया है और जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा भी इस अवसर पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि भारी बहुमत से सरकार बनाने का उनके द्वारा दावा किया गया है और बीजेपी प्रत्याशी त्रिभुवन ने नामांकन किया है, जिसके बाद आपको बता दें कि इसी के साथ जो जिलाध्यक्ष थे वो भी वहाँ उस मौके पर मौजूद रहे और भारी बहुमत से सरकार बनने का दावा उन्होंने अपने नामांकन करने के बाद किया है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी त्रिभुवन ने नामांकन किया है और इस अवसर पर जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा भी मौजूद रहे और आपको बता दें कि भारी बहुमत से सरकार बनाने का दावा उन्होंने अपने नामांकन करने के बाद किया है।